अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे। सो सेकंड क्लास, हमने लास्ट क्लास में ईवीएस में चैप्टर नंबर 8 फूड वी ईट को कंप्लीट करा था। आज हम दोबारा से चैप्टर नंबर 1 से आपकी रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है क्लास। ऑल ऑफ यू अपनी अपनी बुक्स ओपन करो। ऑल ऑफ यू ओपन अप योर बुक्स क्लास। अपनी अपनी बुक्स ओपन करें आप सब। टेक आउट द चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 7 चैप्टर नंबर 2 माय बॉडी पार्ट। माय बॉडी चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 7 माय बॉडी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। माय बॉडी, माय बॉडी क्या है? मेरा शरीर। हमारे जो पूरी बॉडी में कितने पार्ट्स हैं, कितने सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, इन सब के बारे में आज हम माय बॉडी में रीड करेंगे, ठीक है क्लास। सो लेट अस स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम? पार्ट्स ऑफ बॉडी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे क्लास? पार्ट्स ऑफ बॉडी। सो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ बॉडी वी हैव? हमारी बॉडी में कितने पार्ट्स हैं? है क्लास, हमारी बॉडी में कितने पार्ट्स हैं? हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन। और हमारी जो ह्यूमन बॉडी एक वंडरफुल मशीन है, एक बहुत अच्छी मशीन है। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन से। ये अलग अलग पार्ट्स और अलग अलग ऑर्गन से बनी है, ठीक है ना। सो इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन से। अलग अलग पार्ट्स और अलग अलग ऑर्गन से मिलके बनी है। वी नीड टू टेक गुड केयर ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी। और हमें हमारे बॉडी के हर एक पार्ट की अच्छे से टेक केयर करनी चाहिए। अगर हमारी बॉडी का एक भी पार्ट खराब हुआ ना क्लास, तो हमारी पूरी बॉडी खराब हो जाती है। आवर बॉडी हैज टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, एक्सटर्नल बॉडी एंड इंटरनल बॉडी। और हमारी बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गन है? एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो हमें बॉडी पार्ट्स हमारे नजर आते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल। और इंटरनल जो हमारे बॉडी पार्ट्स हमें नजर नहीं आते, दीज आर कॉल्ड इंटरनल। उनको हम क्या कहेंगे? इंटरनल बॉडी पार्ट्स। तो हमारी बॉडी में टू टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स है हमारी बॉडी में, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में। आवर बॉडी हैज टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड सेकेंड इज इंटरनल। एक्सटर्नल जो हमें दिखते हैं, नजर आते हैं, और इंटरनल जो हमें नजर नहीं आते। हेयर इज अ पिक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी विद इट्स डिफरेंट पार्ट। आपके पास एक ह्यूमन बॉडी की पिक्चर है जिसके अलग अलग पार्ट दिखाए हुए हैं। सबसे पहले आपने हेयर है आपके, फिर हेड है, आईज है, नोज है, ईयर है, नेक है, चेस्ट है, एल्बो है, बेली है, आर्म है, हैंड है, फिंगर्स है, लेग है, एंकल, टोज, नीज, थाई, फुट। एंड दीज आर दी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स एंड दीज आर नोन एज द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। मतलब एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं जो आपको नजर आते हैं, वो होते हैं आपके एक्सटर्नल। जो आपको नजर नहीं आते वो क्या होते हैं? आपके इंटरनल। डू यू नो कीपिंग द बॉडी क्लीन इज एन इफेक्टिव वे ऑफ कीपिंग इट हेल्दी एंड फिट। और आपको पता है अगर आप अपनी बॉडी को क्लीन रखोगे तो आप भी क्लीन रहोगे और आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं रखोगे ना क्लास, तो देखो अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से साफ, पूरे स्किन पे ब्लैक ब्लैक सी स्किन आने लग जाएगी, गंदगी की स्किन, गंदगी जम जाएगी और वो जो डस्ट उड़ती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो जमने लग जाएगी। इसलिए हमें अपनी बॉडी को अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ठीक है क्लास। इसलिए हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ओके। तो अभी तक हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी में हमने पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी के ह्यूमन बॉडी एक बहुत अच्छी मशीन है, वंडरफुल मशीन है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स। और ये अलग अलग पार्ट्स मतलब बहुत सारे पार्ट्स और बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला के एक बॉडी बनी, सिर्फ एक। इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स अवेलेबल है जिसके थ्रू ये पूरी बॉडी हमारी बनती है। वी नीड टू टेक गुड केयर ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी। और हमें अपनी बॉडी के हर एक पार्ट की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा क्लास? वो पार्ट हमारा खराब हो जाएगा और हमारी बॉडी का जो भी सारा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आवर बॉडी हैज टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन, एक्सटर्नल बॉडी और इंटरनल बॉडी। हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल। आपके पास पूरी ह्यूमन बॉडी दे रखी है, रीड करो क्लास यहाँ तक, फिर हम आगे चलते हैं सेकेंड क्लास।
यहाँ तक रीड करो क्लास, फिर हम आगे चलेंगे। रीड इट टिल हियर क्लास। एक्सटर्नल हमने इनके बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं क्लास। एक्सटर्नल ऑर्गन, कि मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल ऑर्गन उनको कहते हैं जो ऑर्गन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट कैन सी फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन। उन पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हम देख सकते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल आई, हेड, नोज, हैंड, लेग्स, नेक एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन। ये सारे क्या है? एक्सटर्नल। इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं? जिनको हम नहीं देख सकते, जो अंदर होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम इंटरनल ऑर्गन्स। सम पार्ट्स आर इनसाइड अवर बॉडी, कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। वी कैन नॉट सी, हम उनको देख नहीं सकते। फ्रॉम आउटसाइड दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन। कुछ बॉडी पार्ट हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जिनको हम अपनी बॉडी के बाहर से नहीं देख सकते, उनको क्या कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन। द ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक आर द फोर इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। दे प्ले स्पेशल रोल्स इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक एक्सेट्रा। जो आपकी ब्रेन, हार्ट, लंग्स और स्टमक है, ये फोर इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स है और ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम सब बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल देते हैं, इनके बिना हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक एक्सेट्रा।
ब्रेन लाइज इनसाइड अवर हेड। ब्रेन कहाँ है? हमारे हेड के अंदर। हमारे ये जो दिमाग है, ये जो हेड है, खोपड़ी है, इसके अंदर, स्कल के अंदर, हेड के अंदर ब्रेन है। इट हेल्प अस टू थिंक। और ब्रेन हमें किससे हेल्प करता है? हमें सोचने विचारने के लिए क्या करता है? ब्रेन हमारी हेल्प करता है। इट कंट्रोल्स ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। और ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। हार्ट लाइज इनसाइड अवर चेस्ट टुवर्ड द लेफ्ट साइड। और हार्ट कहाँ है? हमारी चेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे है, उल्टे हाथ की तरफ है। इट इज अ पियर शेप्ड ऑर्गन। और उसकी शेप कैसी है? पियर शेप। हम जिसको हम आजकल खाते हैं ना, इस टाइम पे बपू मोशा आते हैं, जिसको हम बपू मोशा कहते हैं, उसको हम इंग्लिश में पियर कहते हैं। तो हार्ट की शेप कैसी होती है? पियर टाइप होती है। इट पंप्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और ये पंप करता है ब्लड डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। लंग्स। लंग्स ऑल्सो लाई इन साइड अवर चेस्ट। और लंग्स क्या है? वो भी हमारे चेस्ट के अंदर होती है लंग्स। देयर आर टू लंग्स इन अवर बॉडी। और हमारे कितने बॉडी में कितने लंग्स होते हैं? दो लंग्स होते हैं। दे वर्क लाइक एयर पंप्स। और वो हमें एयर देती है, हमें सांस लेने में हेल्प करती है। दे हेल्प अस टू ब्रीथ। और ये हमें क्या करती है? हमें सांस लेने में हेल्प करती है। स्टमक। स्टमक लाइज इन द सेंटर ऑफ आवर बॉडी। स्टमक कहाँ लाइज करती है? हमारी बॉडी के सेंटर में। कहाँ करती है? हमारी बॉडी के सेंटर में, बिलो द लंग्स, लंग्स से बिल्कुल नीचे। इट लुक्स लाइक अ रबर बैग। और ये कैसे दिखती है? बिल्कुल रबर बैग की तरह। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड दैट वी ईट। और वो हेल्प करती है हमारे, हमने जो फूड खाया है उसको डाइजेस्ट करने। क्लास स्टमक तक पढ़ो, उसके बाद हम आगे करेंगे। यहाँ तक पढ़ो क्लास।
मोस्ट फोर इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स है जिनके थ्रू हमारी बॉडी फंक्शन करती है। हमने सबसे पहले पढ़ा ब्रेन, ब्रेन हमारे हेड के अंदर होता है और हमें सोचने समझने की शक्ति देता है और ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि ग्लास, अगर आप सर्दियों में जब अपने हैंड वॉश करते हो अपने वॉश बेसिन पे तो आपको ठंडा ठंडा पानी लगता है, तो वो कैसे महसूस होता है? आपका ब्रेन आपको रिस्पॉन्ड करता है, आपको बताता है कि ये पानी ठंडा है। अगर आपका ब्रेन ही नहीं काम करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ब्रेन क्या है, हमें सोचने समझने के लिए हेल्प करता है। हार्ट क्या करता है, हार्ट हमारे चेस्ट की लेफ्ट साइड पे लाई करता है और ये बिल्कुल पियर शेप्ड होता है और ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए हेल्प करता है। लंग्स क्या है, लंग्स हमारी नोज के थ्रू हमारी एयर जो है लंग्स में जाती है, लंग्स उस एयर को प्यूरिफाई करके पूरी बॉडी में प्रोवाइड करता है और हमें लंग्स हेल्प करती है हमें ब्रीथ करने में। स्टमक क्या है, स्टमक हमारे बिल्कुल सेंटर में है बिलो दी लंग्स और एक रबर बैग की तरह है और एक हमारा पूरा खाना डाइजेस्ट करने में हमारा स्टमक क्या करता है, हमें हेल्प करता है। डू यू नो वी ऑफन हेयर आवर स्टमक रंबल, हम बहुत बार सुनते हैं कि हमारे स्टमक रंबल है। परफेक्टली नेचुरल एंड हैपेंस टू एवरीवन, मतलब रंबल मतलब गोल शेप में है। द साउंड ऑफ रंबलिंग बिकम मोर ऑडिबल व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, और जब ये स्टमक एम्प्टी होता है तो रंबलिंग की मतलब ऐसे मतलब कुड़ 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 की आवाज़ आती है। जब आपका पेट खाली होता है तो क्या हो, ये हमारे स्टमक में से आती है। ठीक है क्लास, यहाँ तक एक बार दोबारा अच्छे से रीड करो। इंटरनल ऑर्गन्स, फिर हमें सेंस ऑफ ऑर्गन्स करते हैं। ओके क्लास।